बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इट्स पार्ट टू, दैट इज़ अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हम अब पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं। हमने सार्कोमेर का स्ट्रक्चर पढ़ा, मायोफिब्रल्स का पढ़ा, मायोफिलामेंट, इन सब के बारे में पढ़ा। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सो द स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस, एच ई हग्जले एंड ए एफ हग्जले गेव अ हाइपोथेसिस 1954, दैट इज़ अ स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, द थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर अ थिक फिलामेंट एंड वाइस वर्सा व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट, बट देर इज़ नो चेंज ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट। मीन्स के मेरे पास ये दो साइंटिस्ट थे, एच ई हॉग्सले एंड ए एफ हॉग्सले, उन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया था, अकॉर्डिंग टू देयर हाइपोथेसिस उन्होंने ये बताया था कि जो थिन फिलामेंट है, जो हमारे पास आई बैंड है, लाइटर बैंड है जिसके ऊपर हमारे पास एक्टिन प्रेजेंट है, और जो थिक फिलामेंट है, जो कि हमारे पास थिक फिलामेंट है, ए बैंड है, डार्कर बैंड है सार्कोमेर का, और जिसके ऊपर हमारे पास मायोसिन प्रेजेंट है, प्रोटीन्स है ना, मायोसिन एक्टिन, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते हैं। बट जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड और स्लाइड करते हैं, बट इनकी लेंथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आती। तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं, इनकी लेंथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आती। ये नहीं हो सकता कि इनकी जो है वो लेंथ कम होगी और फिर ज़्यादा होगी है। ग्लाइडिंग करते हैं मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया था। मैकेनिज्म की बात की जाए तो उन्होंने कहा सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, किस तरह मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैल्शियम आयन है वो रिलीज़ होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको जो है वो नर्वस सिस्टम ऑर्डर करता है ना। नर्वस सिस्टम क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो मैसेज लेके आते हैं, हाँ जी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं बकेट उठा रही हूँ, तो नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा कि हाँ, मोटर न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में आएगा, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आएगा कि क्या करो, बकेट उठाओ। तो वो जो मैसेज है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आ रहा है, जब वो आएगा तो सबसे पहले कैल्शियम आयन रिलीज़ होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मैसेज कौन लेगा, टी ट्यूब्यूल लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो टी ट्यूब्यूल मैसेज लेंगे और उसको कहाँ पे देंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स। तो वहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। जब कैल्शियम आयन रिलीज़ होंगे तो ये रीओरिएंटेशन कॉज करेंगे। रीओरिएंटेशन क्या, डायरेक्टिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी काम का हुक्म देना या करना, ऑफ सर्टन कॉम्पोनेंट इन द थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट के अंदर जो है वो रीओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा कि हमारे पास जो मायोसिन है, जो कि क्या है, थिक फिलामेंट है, जो कि थिक फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट है प्रोटीन मायोसिन, वो बाइंड करना शुरू हो जाएगी थिन फिलामेंट के साथ, ठीक है। कि हमारे पास अब देखिए, आपको साइड पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना मायोसिन का, ये इसकी टेल है, ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, अच्छा टेल, फिर एटीपी और फिर हेड है, हेड जो है वो क्रॉस ब्रिज बनाता है। तो ये देखें आपकी, आपको इसकी मायोसिन की टेल नज़र आ रही है, बीच में एटीपी है, एटीपी रिलीज़ होगी और एक्टिन बाइंडिंग साइट हेड वाले रीजन के साथ आके क्या लगेगा, ये मैंने वीडियो भी अपलोड किया, आप देखिएगा कि ये जो हेड वाला रीजन है इसके साथ आके थिन फिलामेंट लगेगा और ये ऊपर की तरफ उठेगा और थिन फिलामेंट को आगे की तरफ क्या करेगा, स्लाइड करवाएगा। ये किसके साथ प्रेजेंट है, वो जो मैंने आपको डार्क ब्राउन कलर की वो जो लाइन्स आपको सार्कोमेर के अंदर दिखाई थी, अगर आपको याद हो, मैं अभी भी दिखाती हूँ, एक मिनट, ये देखिए आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है डार्क ब्लू जो है, ये डार्क बैंड्स के ऊपर, ये जो डार्क ब्राउन मैंने फोर लाइंस बनाई हुई हैं, ये असल में क्या है, ये थिक फिलामेंट है, मायोसिन है, और इसका ये हेड वाला रीजन है। और जो नीचे ग्रीन वाली लाइंस बनी हुई हैं, ये वाली ग्रीन लाइंस, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एक्टिन है। तो अब क्या होगा, ये जो ब्राउन है, जो हमारे पास मायोसिन है, थिक फिलामेंट है, इसका हेड वाला रीजन क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा और जाके जो ग्रीन वाली लाइंस हैं इसके ऊपर एक्टिन प्रोटीन है उसके साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा और इसको आगे की तरफ मूव कराएगा कि आगे की तरफ ग्लाइड और स्लाइड करो। इज़ इट ओके, ये देखिए आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि नीचे थिक फिलामेंट है, ऊपर थिन फिलामेंट है। ये जो थिक फिलामेंट है असल में होता है इस तरह है कि उसके ऊपर बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, दैट इज़ अ मायोसिन, ठीक है। तो ये जो मायोसिन है इसका हेड ऊपर की तरफ उठता है, मैंने भी स्ट्रक्चर इसी तरह बनाया हुआ है, नीचे इसका टेल वाला रीजन है, एटीपी वाला रीजन है, देन हेड, ये जो हेड है यहाँ पर आके एक्टिन जुड़ेगा, ये ऊपर आपको एक्टिन नज़र भी आ रहा है। तो अब क्या होता है, ये हेड वाला रीजन ऊपर की तरफ उठता है और एक्टिन को आगे की तरफ मूव कराता है। कब, जब हमारे पास क्या होता है कि कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो एट दैट टाइम मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड करता है किसके साथ जाके, एक्टिन के साथ जाके, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो एटीपी जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाती है किससे, मायोसिन से, और एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से हेड जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है
और वो जाके बाइंड करता है किसके साथ, अपनी एक्टिन फिलामेंट के साथ। और इस तरह करते करते हर एक हेड जो है मायोसिन का वो एक्टिन वाले के साथ ये डार्कर बैंड लाइटर बैंड के साथ मिलते जाते हैं और इस तरह ग्लाइडिंग होती है। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो रही है, कॉन्ट्रेक्शन हो रही है मसल्स की। आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स, ये आपको सार्कोमेयर मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट के ऊपर नज़र आ रहा है। तो ये देखिए सार्कोमेयर आपको एक पूरा बनाया हुआ नज़र आ रहा है जो कि मैंने पेज के ऊपर भी बनाया है। थिन फिलामेंट्स हैं और ऊपर थिक फिलामेंट्स हैं। थिक फिलामेंट के ऊपर जो है वो आपको मायोसिन नज़र आ रहे हैं, नीचे आपको एक्टिन नज़र आ रहे हो, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रही थी, ये जैसे मैंने साइड पे मायोसिन बनाई हुई है कि हेड है और फिर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एटीपी और टेल है, तो ये रिलीज़ करेगा एटीपी जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी और ये इस तरह मूव करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ सार्कोमेर, ये मैंने अभी आपको बताया थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगे, ये कॉन्ट्रेक्शन की बात है। ये देखिए मायोसिन बहुत क्लियर है, मुझे उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू कि जो मायोसिन है उसका हेड है ये ऊपर थिक फिलामेंट है जो मैंने आपको बीच में बताया डार्कर बैंड है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा इसका हेड और जाके वो किसके साथ लगेगा, एक्टिन फिलामेंट के साथ लगेगा और इसका हेड जो है वो मूव करेगा और इस तरह स्लाइडिंग होगी अंदर की तरफ, जो है वो एक्टिन फिलामेंट आएगा, लाइटर बैंड आएंगे, बट ये ओवरलेप नहीं करेंगे। दूसरा, ये एक दूसरे को जो है इनका साइज़ कम नहीं होगा। ये देखिए एक्टिन जेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं सारा कुछ, ये भी मैंने आपको भी बता दिया कि किस तरह एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट अब क्या होता है हमारे पास, जो एक्टिन होता है थिन फिलामेंट होता है वो मूव करता है नॉच के ऊपर, हेड के ऊपर, एज ऑफ एक्टिन के ऊपर। ठीक है, सो द रोल ऑफ एटीपी प्लस कैल्शियम आयन, इन दोनों का क्या काम है। एज लॉन्ग एज द एटीपी प्लस कैल्शियम आयन अवेलेबल इन द साइटोप्लाज्म, जब तक मैसेज आता रहेगा और जब तक ये कैल्शियम आयन, एक दफ़ा मैसेज आ गया ना तो कैल्शियम आयन रिलीज़ होता रहेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, साथ साथ एटीपी भी रिलीज़ होता रहेगा, तो तब तक मायोसिन का जो हेड है वो क्रॉल करता रहेगा एक्टिन के ऊपर, यानी कि उसको अगली तरफ अंदर की तरफ जो है वो मूव कराता रहेगा और कॉन्ट्रेक्शन होती रहेगी सार्कोमेयर की मसल्स के अंदर। ठीक है, सार्कोमेयर के अंदर जो कि मसल्स के अंदर हैं, ये हमारे पास क्या था, कॉन्ट्रेक्शन थी किसकी, मसल्स की। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आ गया, मसल फाइबर रिलैक्सेशन। अब इसके उलट होना शुरू हो जाता है, मीन्स आपने कॉन्ट्रेक्शन के अंदर क्या किया, बकेट उठाई बस, ये तब तक आपका ये फिनोमिनन हो रहा है सारा कुछ। अब जब मसल रिलैक्स होते हैं तब क्या होता है कि नर्व इम्पल्स स्टॉप हो जाती है, अब नर्व इम्पल्स आना बंद हो गई है कि अब कॉन्ट्रेक्शन ना करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो अब क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रीएक्यूमुलेट कैल्शियम आयन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स, ये क्या करती है, दोबारा से जमा करना शुरू कर देती है कैल्शियम आयन को। अब जो कैल्शियम आयन है वो क्या करता है, दोबारा से जमा होना शुरू हो जाता है और निकलना बंद हो जाता है। पहले वो रिलीज़ हो रहा था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अब वो रिलीज़ नहीं होगा, वो रीएक्यूमुलेट दोबारा से जमा होना शुरू हो जाएगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, और वो स्टॉप हो जाएगी उसकी कंसंट्रेशन और वो बाहर नहीं आएगा। अब आप खुद सोचें कैल्शियम आयन ही बाहर नहीं आया तो अब क्या होगा, और ये होता भी मिली सेकंड के अंदर है, ये नहीं आज मैंने मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो कल जाके रिलैक्स हो गया, नॉट एट ऑल, अभी ही होता है, विद इन सेकंड अभी भी आप एक चीज़ को उठाएं, पेंसिल को उठाएं, तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है और पीछे ये सारा फिनोमिनन हो रहा है। तो अब क्या होगा, जब ये सारा कुछ मिली सेकंड के अंदर हो रहा है, तो एक्टिन और मायोसिन, जो मायोसिन का हेड था जो ऊपर की तरफ उठा और उसने थिन फिलामेंट को आगे की तरफ ग्लाइड किया, वो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा उन दोनों का। ठीक है, और वो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से नीचे, मायोसिन नीचे की तरफ आएगा, वो एक दूसरे से हट जाएंगे और एक्टिन और मायोसिन अपनी ओरिजिनल पोजिशन की तरफ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मसल रिलैक्स हो गया। सो द कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इस सबको कंट्रोल कौन करता है, ये ऑल एंड नन फिनोमिनन के तहत काम करता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द ऑल और नन फिनोमिनन।